हम लोग एवेंजर्स कैसे बने थे? बताते हैं बेटा, बताते हैं, सब्र रखो थोड़ा, अभी सब बताते हैं तुम लोग को। तुम लोगों का दादाजी आया था एवेंजर्स बनाने के लिए साला। ए तू फटे जेब में हाथ मत डाल, समझाना, अभी हम सबको बताएंगे एवेंजर्स कैसे बने हम लोग। आज मैं बताऊंगी हम लोग एवेंजर्स कैसे बने थे। देखो आ गई बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा। तेरी माँ का बोल ना, बोल काहे रुक गई, बोल आगे, बोल लिस्ट तैयार है, बोलो किसका नाम ले। थोर का लो, थोर का, थोर का बारे में हम बताएंगे। थोर एक बहुत गरीब परिवार से है, उसके पास पहनने के लिए एक चड्डी भी नहीं था। अबे ओ अंधा, मुंह संभाल के बोलो, समझाना, तुम्हारा खानदान खरीद लेंगे इतना पैसा साला। खानदान खरीदने का क्या जरूरत है, एक चड्डी खरीद लो। oh, no. और तुम सबको पता है यह तोड़ा लेकर क्यों घूमता है? क्योंकि इसका बाप लोहार था। बिल्कुल सही बोले अंधा भैया ने, सही बोला, थोर का बाप हमको एक बक्सा भी बना के दिया था। अंधा बेटा अब शांत हो जा, बहुत तू मेरा बेइज्जती करवा लिया है, आगे से और बेइज्जती मत करवाना, वरना जो तुम्हारा दूसरा आंख बचा ना उसको भी फोड़ देंगे साला। थोर बिल्कुल सही बोल रहा, आप दूसरे का बेइज्जती करो। चलो आप अंधा का पारी, अंधा को बेइज्जती करो। अंधा का कहानी यह है कि यह बहुत लड़की को आंख मारता था, इसलिए भगवान ने इसका एक आंख काना कर दिया। और क्या मारते रहो।